मारपीट की घटना में सूरज साहू की हुई मौत पर परिजन तीसरे दिन भी अड़े हुए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के एसके अग्रवाल सहित 10 लोग न्याय की गुहार लगाने भूख हड़ताल पर हैं। दुर्ग शहर में पिछले दिनों वार्ड 1 में हुए मारपीट की घटना से मृतक सूरज साहू की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजन और घर वालों ने शासन से न्याय की गुहार लगाई और जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंप दिया, साथ ही धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। वहीं तीसरे दिन भी मृतक सूरज साहू के परिजन और उसके घर वाले इंसाफ की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर डटे रहे। इस मामले में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अपनी पूरी कोशिश के साथ पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने अधिकारी नेताओं के दर दर तक पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में जिले के गृह मंत्री दामदास साहू से पीड़ित परिवार ने मुलाकात की और गृह मंत्री से अपनी बातें कही, जिस पर गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री का हवाला देते हुए पीड़ित पक्ष को लौटा दिया। वहीं प्रदर्शन पर बैठे पीड़ित पक्ष सिर्फ न्याय की मांग करते रहे और मृतक की विधवा को नौकरी और मुआवजे दिए जाने की मांग यहाँ पर की गई। इसके बाद भी अब तक शासन प्रशासन यहाँ झांकने तक नहीं पहुंचा है। वहीं इस मामले में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। परसों सूरज साहू के निधन के पश्चात हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया, कल दिन भर हमने धरना प्रदर्शन किया, कल से हम लोग 10 लोग आमरण अनशन पर हैं। आज सुबह गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई, गृह मंत्री जी ने कहा कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मुख्यमंत्री जी के हाथ में है, मैं मुख्यमंत्री जी के पास कागज़ भेज देता हूँ। उन्होंने फ़ोन करने तक की जहमत नहीं उठाई, उनके क्षेत्र का मामला है, लेकिन उन्होंने केवल यही कहा कि जो भी करेंगे मुख्यमंत्री जी करेंगे। अभी तक कोई प्रशासनिक अफसर नहीं पहुँचा है, ना कोई विधायक पहुँचा है, ना महापौर पहुँचा है, ना सांसद पहुँचे, कोई भी यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा है। कांग्रेस सरकार गंभीर नहीं है, संवेदनहीन है। आप ये सोचो कि भिलाई में 3 दिन के अंदर मुआवजा तय हो गया, नौकरी तय हो गई, शिक्षा का इंतजाम हो गया, आज तीसरा दिन है भूख हड़ताल का, भूख हड़ताल का दूसरा दिन है। आज हम सुबह गृह मंत्री से भी मिले, वो भी संवेदनहीन अपना उन्होंने दिखाया, और उनका कहना था कि मुख्यमंत्री तय करते हैं। भिलाई का मुआवजा मुख्यमंत्री जी ने तय किया था क्या? और ये मामले को खुद ही बढ़ा रहे हैं। कानून भिलाई का लिए अलग हो सकता है, दुर्ग के लिए अलग हो सकता है, ऐसा है क्या? नहीं। तो फिर दुर्ग के हत्या के प्रकरण में आपको मुआवजा देने में क्या समस्या है? भिलाई अगर हम लोग कोई गलत मांग करते तो सोचा जा सकता था कि नहीं, इनकी मांग जायज नहीं है। आपने तो अभी कुछ दिन पहले भिलाई में हत्या के प्रकरण में मलकी सिंह की पत्नी को मुआवजा दिया है, नौकरी दी है, शिक्षा का इंतजाम किया है, फिर दुर्ग में दुर्ग के साथ आप ये गलत रवैया क्यों अपना रहे? दोहरापन क्यों कांग्रेस सरकार अपना रही है? और गृह मंत्री कहते मुझे कुछ मेरे हाथ में नहीं है, मुख्यमंत्री करेंगे, तो वहाँ पर तो मुख्यमंत्री की बात नहीं आई। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए ना, तो ये प्रशासन की कांग्रेस सरकार की संवेदनहीनता दिखती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।